हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मेरे नए व्लॉग में। यहाँ पे ना अब मैं किसी ज़रूरी काम से वापस आ रही थी, तो आते ही मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द होने लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हेयर ऑयलिंग करते हैं, सर दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, है ना। तो मैंने अपने हेयर ऑयलिंग करी और साथ साथ में जो भी थोड़ा बहुत सामान बिखरा रहता है ना, तो वो मैं साथ साथ में समेट देती हूँ, क्योंकि प्रिया दीदी मैं मिलके ही काम कर लेते हैं ना। तो बाकी हेल्पर भी है, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत अपने काम होते हैं वो तो खुद ही करने होते हैं, तो ये सब हम कर लेते हैं। और साथ साथ में मैं कुछ सोच भी रही थी, क्योंकि लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन चली जाती है, तो इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहता है। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, कल एक्चुअली ना मेरा मन व्लॉग शूट करने को किया नहीं, सो अभी मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ना कल ही सिद्धार्थ का साइकिल आया था, तो मैंने जो है साइकिल इसके लिए काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि साइकिल ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको घुमाना भी इजी रहेगा, है ना, और बच्चे को भी सही रहता थोड़ा ना। चलो मैं यहीं पर चैनल पकड़ा लूँ, चलो मैं यहीं पकड़ा। अभी तो इसमें ना पेरेंट कंट्रोल वाला जो हैंडल है वो है, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर हम जो उसका पेरेंट कंट्रोल का हैंडल है वो निकाल देंगे, और जो उसके सीट बेल्ट है वो भी निकाल देंगे, और जो ऐसे आगे बना हुआ है थोड़ा सा वो सारी चीज़ें निकाल के इंडिपेंडेंटली अपना साइकिल जो है चला सकता है। और मैंने सोचा कि यार साइकिल ले लेना चाहिए, और साइकिल ना जैसे हमने सपोज हिमाचल जाना हो तो सारी चीज़ें निकाल के हम इसकी पैक कर सकते हैं, और हिमाचल जाके हम इसको दोबारा से असेंबल कर सकते हैं। हाँ जी, सो ऐसा इसका साइकिल है। और बस अभी हम लोग बाहर जो है घूमने आए हैं, चांदनी रास्ते में आ रही थी, मैं इसको लेके घुमा रही थी, तो मेरे को दिखी चांदनी, मैंने कहा चलो चांदनी एक दो राउंड इसको लगवाते हैं घुमाने के, फिर उसके बाद घर जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। और कल मैंने अपनी ड्राइविंग की क्लास भी नहीं लगाई, आज लगाऊँगी। आज संडे है ना, आज भैया कल लेट हो गया, आज मंडे हो गया, तो फिर चलो अभी ड्राइविंग वाले टीचर से बात करके देखते हैं कि अभी क्लास मेरी जो कितने बजे लग सकती है। वैसे तो मॉर्निंग का टाइम होता है, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है मेरे साथ ही उठ जाता है, या फिर मॉर्निंग में सबकी नींद ख़राब होती है, और रात को भी सब लेट सोते हैं, तो भी देखती हूँ कॉल करके, क्योंकि कल का तो मेरा गैप हो गया, और जब आपका गैप हो जाता है ना उसके बाद आपको दोबारा से क्लास जाना ना बड़ा वो लगता है कि यार गैप हो गया है ना, उतना मज़ा नहीं आ पाता है। सो एनी वेज, अभी तो हम आपको कानपुर की ये वाली गलियाँ दिखाते हैं जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई है, इतनी मैंने साइकिल चलाई है यहाँ पे। इस बार यार मेरे को साइकिल नहीं मिली चलाने के लिए, ना किसी की साइकिल लेके ना थोड़ा साइकिलिंग भी करूँगी, अच्छा लगेगा ना। वापस सिद्धार्थ को घुमा के, और मैंने अपना जो ये वाला नाइट सूट है प्रिया दीदी ने भी सेम मंगवाया, इसमें एक और कलर आने वाला है ना। पहले ना जब मैंने इसको देखा मुझे ना इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा इसका जो है कलर है। सो फिर उसके बाद जैसे मैंने आज इसको पहना तो मेरे को मेरे को अच्छा लगा। और ना एक मेरा नाइट सूट मैं घर से भी लेके आई, उसका मेरे को पजामा थोड़ा सा वो कट करवाना है, उसकी ऑल्ट्रेशन करवानी है। और हमारी सुबह की चाय कौन सा इस वाले नाइट सूट में, ये वाला कलर, ये भी अच्छा लग रहा है ना। और कितने कलर है इसमें दिखाना, एक तो मैंने ले लिया, इसके बाजू पे है ये वाला डिजाइन है ये वाले ना, अगर दूसरा कलर जो आ रहा है ना वो भी दिखाना। और मैंने ना सिद्धार्थ के लिए एक साइकिल मंगवाया, साइकिल जो मैंने आज ये जो पहना है ना, मैंने ये वाला, ये जो पहना है इसका दूसरा कलर ये है, इसका मतलब ये यहाँ से नेक नहीं अच्छा सुंदर लगा, मुझे इसका नेक ही अच्छा लगा। हाँ मुझे ये वाला ज्यादा कम्फर्टेबल लगा। दूसरा कलर दिखाना कौन सा इसमें, मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और मुझे लगता है वो सारी जो इनकी नाराज़गी है ना आने वाली वीडियो में निकलेगी, क्योंकि अभी तो हम चुपचाप होके अपने सारे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा आज का मतलब आज का पिछले कल का दिन थे ना, ये कुछ ऐसे गए हैं। सो एनीवेज अब मैं जा रही हूँ अपना जो है थोड़ा सामान लेके आने के लिए,
अब आपको लगता होगा कि प्रीति रोज़ ही झोला उठा के भाग जाती है सामान लेने। एक्चुअली होता क्या है, IIT के अंदर का और बाहर का माहौल बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम ताज़ा सब्जी लेके आते हैं, ताज़ा चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताज़ा चीज़ अवेलेबल है। मेरी जो ना सुपर ड्राई की फुटवेयर है, इतने कम्फर्टेबल है, मैंने इतने ज़्यादा पहने हैं, मुझे ना सारे वक्त पहने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आराम मेरे को इन्हीं में आता है। और ना कल हमारे साइकिल का ना, जो हमने साइकिल ऑर्डर किया था तो कल तो आई क्या था, फिर ना उसमें ना असेंबली का भी था वो, कि उसको असेंबल करने के लिए किसी को भेज देंगे तो वो चार्जेबल था। फिर मैंने ना वो जो है कैंसिल कर दिया और मेरे को रिफंड भी उसका आ जाएगा, क्योंकि हमने खुद से ही इसको असेंबल कर लिया था, है ना। सो वो हमें फ़ायदा हो गया। सो हम लेके दूध, दही और जो भी थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें वो, क्योंकि हम यहाँ पे ना सब ताज़ा ही लेके आते हैं, तो बार बार एक से दो राउंड तो लग ही जाते हैं हमारे दिन के। बाद ही है बाकी बैग में और सामान। झोला लेने का इतना फ़ायदा हो गया ना कि अपना झोला साथ में लेके चलो। अभी क्या होता है कि हमें बहुत सारे बार बार कैरी बैग खरीदने नहीं पड़ते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया। और बस अभी घर जाएंगे और देखते हैं कि आज क्या बनाएंगे। मैं भिंडी लेके आई हूँ, तो आज हम भिंडी भी बना सकते हैं। कढ़ी बनाने के लिए प्रीति का मन था, तो देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं। मखाना को रोस्ट करके ना, थोड़े मखाना को रोस्ट करके रख लूँगी मैं। लेके आए मिक्सर, लेके आए साबूदाना, लेके आए हम मैंने जब अपना लास्ट वीडियो डाला था ना, उसकी वजह से मेरी और प्रिया दीदी की थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेरा वीडियो का जो एंड वाला पार्ट था, मैंने बाहर बैठ के फटाफट से शूट किया और मैंने बाहर ही अपना वीडियो एडिट करके डाल दिया। और जब प्रिया दीदी ने देखा तो उसके बाद मेरी बड़ी क्लास लगाई, तूने ऐसा क्योंकि वैसा क्यों। मैंने कहा यार, तो मतलब जो देखो जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही है ना, वो सिर्फ मुझे पता है, और मेरे गलत डिसीजन की वजह से सबको कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है ना, सबको कितनी ज़्यादा मुसीबतों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा मैंने क्रिटिसिज्म सहा है, फेक क्रिटिसिज्म सहा है, और फिर भी लोग बोलते हैं कि वीमेन कार्ड खेलती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। कार्ड बहुत टाइप के होते हैं, वीमेन कार्ड की बात नहीं मैं करूँगी, सिंपथी कार्ड खेलते हैं लोग, हर तरह के कार्ड हर कोई खेलता है। लेकिन जहाँ पे अपने आप को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पे अपने आप को क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो ना, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है गंदा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आज है कल ना हो, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और औरतों की इज्जत करिए। बस इतना सा कहना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, इसके बाद मैंने भी पीनी है और बनानी है एक एक कप चाय। चांदी चाय पियोगे आप? नहीं पियोगी? मैं पीऊँगी एक कप चाय, फिर आज मेरा जो क्लास का है वो शाम का ही, शाम को जाऊँगी, बस चाय पीऊँगी। और ना कहाँ है बनी, कहाँ रखी बनी हुई? मुझे ना जब प्रिया दीदी ये वाले कप लिए थे ना, तब तो इतने सुंदर नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है इन कप में, इन्हीं कपों में चाय पीना। इसके साथ का एक जो गिलास है वो चांदनी ने तोड़ दिया, तो ये सिर्फ ना एक ही बच गया। और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, प्रीति आप ये बताओ, प्रीति आप ऐसे करो, प्रीति आप वैसे करो, मतलब मैं किसी को कुछ भी रिप्लाई नहीं करना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड पूछ लिया, डाइट के रिलेटेड पूछ लिया, या फिर किसी कपड़ों के रिलेटेड पूछ लिया, है ना, तो वो सब चीज़ें मैं बता देती हूँ। बाकी जो बहुत सारे और भी मैसेज आते हैं तो उनको मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करती, तो आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत होना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप डेली लाइफ के बारे में पूछ सकते हो, खाने पीने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो। दीदी बाहर की यार, बाहर से कुंडी लगा दी है, ऐसे कैसे आते हैं पिछली तरफ से जा, कब धुलना है। और ये हमारा सारा जो है गैस वैस क्लीन हो चुकी है, और ये बनाई है हमने आज कढ़ी। और बातों की बातें, प्रिया दीदी कढ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। एसी को हम कर देते हैं बंद, अभी हमारा टाइम है क्लीनिंग करने का, तो अभी मैं और चांदनी
और प्रिया दीदी, हम तीनों मिलके अच्छे से जो क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने से पहले मेरे को ऑन करना है टीवी, टीवी में हम अच्छे से गाने चलाएंगे ताकि हमारा जो है काम करने का मन भी करे। और यार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स और दिक्कतों को पकड़ के बैठ जाए ना, तो हम ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे ज़िंदगी निकल जाती है, तो इससे अच्छा है ना कि आप जो है लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से निकलेगी। और आज का जो मेरा दिन है, आज मैं सोच रही हूँ कि आपके अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करूँगी। कल मैंने अपना जो है व्लॉग नहीं डाला, लेकिन आज मैं अपना जो है व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यार मैंने ना कल मैंने पूरा दिन अच्छा सा डाइट वाला खाना खाया, लेकिन रात को चांदनी मैंने मैगी बना के खा लिया एक पैकेट कल। हाँ कल रात को मैंने मैगी बना के खा ली, तो सारा मेरा गड़बड़ हो गया। तो प्रिया दीदी बोलती है पूरा दिन तो हेल्दी खाती है, लेकिन रात को तो गड़बड़ कर देती है। एक तो मैगी खा ली, ऊपर से गड़बड़ क्या हुई, मैंने ओवरनाइट ओट्स बनाए थे। तो ओट्स का मतलब क्या होता है, ओवरनाइट ओट्स मतलब ओवरनाइट उनको खत्म कर दो। तो मैंने उनको ओवरनाइट खत्म किया, जबकि ओवरनाइट खत्म नहीं करना होता, उनको अगले दिन खाना होता है। सो मैंने उसको ओट्स को जो है रात को ही खा लिया। मैंने दोपहर को बना के रख दिए थे, हो तो गए थे वो अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर सुबह खाती तो ज़्यादा अच्छा रहता ना ब्रेकफास्ट। आज मेरा आज मैंने कढ़ी भिंडी और जो चपाती है वो ब्रेकफास्ट किया, नहीं तो मैं वो ओवरनाइट ओट्स वाला अपना ब्रेकफास्ट करती। सो ऐसा ऐसा हो गया। और इंसान चाहता कुछ है करना और हो कुछ और जाता है। जैसे मैंने चाहा था कि मैं ओवरनाइट ओट्स खाऊंगी सुबह उठ के, लेकिन ये क्या बात था कि मैं वो सारा रात को खा लूंगी, और हुआ कुछ और। खाना पड़ा सुबह मेरे को कढ़ी और भिंडी, जो कि मैंने खानी थी दोपहर को। अभी देखते हैं कि दोपहर का थोड़ा सा ना हल्का लाइट मील करूँगी, और रात को बिल्कुल ही लाइटेस्ट मील पे चली जाऊँगी मैं। वैसे तो प्रिया दीदी सारा काम कर ही लेते हैं ना, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बेडशीट चांदनी ने और मैंने तो उन्होंने मिलके बिछा दी, और अभी पिलो कवर वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ ना कि साथ साथ मैं काम करवा दूँ तो अच्छा रहता है। और वैसे भी आजकल मेरे साथ नाराज़ चली हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो चुपचाप रह के ही सारा काम करें। और अच्छा दिन है आज का, अच्छा चल रहा है ना। और जो क्लचर लेके आए थे वो भी मैंने लगा लिए हैं, और सिद्धार्थ भी उठ चुका है और ये कर रहा है मासी को परेशान। और अभी भी हमारे जो है ऐसे ही हमारा सब चला हुआ है, और बस खुश रहने की कोशिश करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन ज़िंदगी है, कभी दुख कभी खुशियाँ कभी गम, है ना, एक जैसी तो हमेशा ज़िंदगी रहती नहीं है। और सबकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत ना हो। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत मुसीबत मुश्किलें चली जाती है ना, और वही इंसान सर्वाइव कर पाता है ज़िंदगी में, जो सुख दुख सबको साथ में लेके चले और ये मान के चले कि आज खुशियाँ हैं तो कल गम भी होंगे, आज गम है तो कल खुशियाँ होंगी, है ना। तभी ज़िंदगी अच्छी होती है और तभी हम ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, नहीं तो फिर इंसान सोचते रह जाता है और टेंशन लेता रहता है ना। चद्दर बिछकी, अब दूसरे पिलो के लिए कवर चाहिए, और झाड़ू लगेगा पोछा लगेगा, और बस फिर हमारा काम खत्म ना। ये है सिद्धार्थ का पुल बैक वाला ट्रैक्टर, इसको आप जितना पीछे खींचोगे ये उतना ही आगे भागेगा। क्यों बोलता है ट्रैक्टर, और इसको ये इतना पसंद है, इतना पसंद है। ये देखो ऐसे पीछे खींचो इसको और ये आगे भागता है। आप लोग भी इसको ना फर्स्ट क्राई से मंगवा सकते हो, मैंने वहीं से मंगवाया है,
तो मेरे को बड़ा सुंदर लगा। ट्रैली भी साथ में थी, फिर मैंने कहा ट्रैली वाला इतना बड़ा ट्रैक्टर बच्चा मतलब ट्रैली तोड़ फोड़ के फेंक देगा, अकेला ट्रैक्टर है तो इसको आराम से ऐसे भगाता रहेगा। तो ये मैंने स्पेशली इसके लिया। आपने हमारी बाहर से कुंडी लगा दी, मंदिर बंद। हाँ पर इधर से खुला था मैं। हाँ हाँ चेंज करती। आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं ये वाला नाइट सूट ले लूं, इसमें ना पहले सेम इसका दूसरा लगा, या फिर दूसरे वाला ले लूं। ये कितना सुंदर लग रहा है, ये तो बेडशीट जैसा उसमें है, देखो बेडशीट जैसे फूल है, सेम सेम फ्लावर इसमें। या तो ये ले लूं, क्या दूसरा? मुझे ना कॉटन वाले में ना जैसे यहाँ से इसकी बाजू होती ना, ये मेरे को ये नहीं पसंद है, खुले है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ये, सच में बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा लगता ही नहीं है कि एनीवेज जिनकी जैसी सोच होगी उनको वैसे ही समझ में आएगा, है ना। एक है ये वाला, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन सा लूं। ये स्टफ तो बहुत है क्योंकि मैंने ये पहना, पहले ये लगा मेरे को ना ये अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ, लेकिन जब मैंने पहना तो इतना सुंदर लगा ये, है ना। मेरे को बता आपको ये वाला लेना है ना, एनी वन। मैं ये ले लूंगी, ये ले रही हूँ मैं। सुबह मैं ना खजूर लेके आई थी ज्वेल फार्मर की, सो वो थोड़े से खराब निकली तो मैंने चेंज करके, सो मैं चेंज करके देखो खजूर को चेंज कर, मैं कितनी सारी चीजें लेके आई और मैं ना दोबारा से खजूर दूसरे वाले लेके आई। और ये है साबूदाना, इसका कुछ बनाना है, पहले मैं इसकी रेसिपीज देखती हूँ। प्रिया दीदी बोलते कि इसकी खिचड़ी बनाई थी उन्होंने एक बार, बहुत अच्छी बनी थी। सो ये बच्चों के लिए बहुत सही रहता है ना। और बाकी कुछ लोगों ने तो यही बोलना है कि कुछ नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, तो मेरे को लोगों को प्रूव भी नहीं करना है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने चलो बता दिया कि नहीं जी। कौन है? हाय मैं डर गई, ये किसकी आवाज़ आई? सिनेमन वाटर नहीं चाहिए। ओके, हम सबका जो है खाना हो चुका है और इसके बाद मेरे को जो है नहाना है, पहले सिद्धार्थ को खिलाना है, देन मामी आ रहे हैं। मामी मतलब हमारी मामी मतलब मालिश वाली, हाँ हमारी जो है मालिश वाली मामी। सो हमारी, हमें अपनी मालिश वाली मामी से बहुत ज्यादा प्यार है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो, है ना प्रीति? आपको भी बहुत प्यार है हमें अपनी मालिश वाली मामी से, बहुत अच्छी लगती है, हमेशा हंसती रहती है। पहले कि मामी आए मैं दोनों ट्राई करके देख लेती हूँ कि मेरे को कौन से वाला चाहिए। सो कितना सुंदर लग रहा है, ये सुंदर ही लग रहा है, प्रिया जी को तो बहुत पसंद आया, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आएगा ही क्योंकि मेरे इसके जैसे वाला है। हाँ आपका भी सेम है ना, मेरे को आपका ज्यादा सुंदर लग रहा है, पता नहीं दिल को ऐसे लगता हमेशा, आपको लगता होगा ऐसे हमेशा, मेरे को आपको ज्यादा सुंदर लग रहा है, कहते दोनों सुंदर है। हमने फटाफट से पहन के देख लिया, सुंदर लग रहा है ना ये। सो अच्छा है, मेरे को लग रहा है मेरे साइज का इशू ना हो, क्योंकि आप मेरे लिए चंदीगढ़ से लेके आए थे ना एक बार ग्रीन कलर बड़े बड़े फूलों वाला, वो सबको इतना पसंद है, सब कहते हैं हमारे लिए वैसा होगा। बेबी इसका स्टफ बहुत अच्छा है, पास में से दिखा, मैं देख लीजिए स्टफ स्टफ दे। ये है सिद्धार्थ की साइकिल जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत क्यूट लग रही है देखने में, और मेरा नाइट सूट तो और भी क्यूट लग रहा है। और अभी जो है मैं जो है सारा साइकिल चेक कर रही हूँ ना कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं कैसी, और आप लोगों को भी दिखाना था मेरे को साइकिल, है ना। तो फिर यहाँ पर मेरी प्रिया दीदी ना, मैं प्रिया दीदी के साथ थोड़ी साइकिल की चीज़ें डिस्कस कर रही थी, साथ में ही थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है ना, तो इसीलिए। सो फिर थोड़ा बहुत यदि गुस्सा थे नाराज़ थे तो मैं ऐसे हंसाने की कोशिश कर दी, जैसा कि मेरा नेचर है ही, मैं थोड़ा हंसाने की कोशिश करती हूँ कि चलो सामने वाला बंदा थोड़ा सा हंस लेना। और साइकिल के बारे में बताती हूँ आपको मैं, ये पेरेंट कंट्रोल है जिससे कि हम जो है साइकिल को
अपनी जैसे हमारे पास सारा कंट्रोल होता है तो हम जैसे जहाँ घुमाना हो जो कुछ भी करना हो वो सब हम कर सकते हैं साइकिल के अपने कंट्रोल से। और ये सिद्धार्थ साइकिल की घंटी बजा दो, घंटी घंटी बजा दो सिद्धार्थ घंटी। ये तो ये साइकिल में सीट बेल्ट भी है और बैठ के बच्चा आराम से जो है खेल सकता है। और ये है इसकी बेल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेरे को साइकिल लगा। जैसे मैंने देखा था फर्स्ट ट्राई पे बिल्कुल वैसा ही निकला और बड़ा ही सुंदर है। इसमें दो जगह स्टोरेज है, जैसे कि आगे बास्केट है पीछे बास्केट है, तो इस बास्केट में मैंने इसकी जो है ट्रैक्टर रखा हुआ है। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और चलिए जी बाकी इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना।